उर्दू खुशा मदीद मैं हूं अजहर इकबाल बंगश नाजरीन जो जो तुर्की में सल्तनत मानिया के हवाले से ड्रामे बनना शुरू हो गए हैं और उनको वैसे ही पसंद किया जा रहा है जैसे तुर्की में पसंद किया जा रहा है तो पाकिस्तानी लोगों के जो है वो जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवाल उठने लग गए हैं और वो उन सवाल के जवाब जानने के लिए गूगल का सहारा ले रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आपको उन तमाम सवाल के बारे में बताएंगे जो कि गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं और इस हवाले से हम आपके लिए तहकीक पर अपने वीडियो भी लेकर आएंगे सबसे जो अहम सवाल है वो ये सर्च किया जा रहा है कि तुर्की ने अभी तक सल्तनत उस्मानिया के हवाले से कितनी सीरीज बनाई है और किन किन शख्सियात पर बनाई है

करना चाहते हैं और उनको मुकम्मल करना चाहते हैं और दो हजार तेईस के बाद रजब तय्यबरदबान पूरी दुनिया के साथ क्या करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में आप इन तम, तमाम सवालत के जवाब जान सकेंगे तो इसलिए अपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और हमारे चैनल वाई टी उर्दू को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा देना है ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं सल्तनत उस्मानिया के किन किन हुक्मरानों पर सीरीज बनी है उनकी तफस बताने से पहले हम आपको फिफ्थ जनरेशन वॉर के बारे में बताते चले कि ये ऐसी जंग कहलाती है जो हथियारों के बजाय जहनों से लड़ी जाती है इस जनरेशन वॉर में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है आपके दिमाग को फतेह करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो हथियार बिलाशुबा मीडिया से है जो फिफ्थ जनरेशन का सबसे बड़ा मोहलिक तरीन हथियार है इसमें कोई शक नहीं कि अखबार के, के नक्श हो जाता है एक के बाद एक सीरीज का लिखा जाना और अवाम मकबूलियत की वजह बनना भी क्या फिफ्थ जनरेशन वॉर का ही हिस्सा है क्या वाकई रजब तयब उदान सल्तनत उस्मानिया की बहाली चाहते हैं देखने में तो ऐसा ही महसूस होता है आय सूफिया में अजानों का गुंजना मस्जिद अक्सा की गामजन होने की बातें और गवर्नमेंट की निगरानी में सल्तनत सल्तनतिया के बारे में सीरीज बनाना ये सब किस किसान को इशारा है उर्दवान के दिमाग में क्या चल रहा है ये बुझना आसान नहीं है लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि हेडिंग देख कर ही मालूम हो जाता है कि मजमून कैसा होगा इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उर्दुवान का असल मकसद क्या है वो 2023 की पाबंदियों के खात्मे के बाद क्या कुछ करने जा रहा है तो हमारी वीडियो आखिर तक देखते रहिए नाज़रीन सबसे पहले हम आपको बताएं कि तुर्की में इस वक्त तक 10 सीरीज फिल्में उस्मानिया के बारे में बनाई जा चुकी हैं मार्च 2012 में 20 इक्सत परब ने हरज मानरल उस्मानली कयाम नामी सीरीज बनाई गई जिसके एक किस्त का दौरानिया 60 मिनट था और ये चार राइटर्स ने मिलकर लिखी थी ये हाथी सुल्तान जो कि सलान सुलेमान की बहन थी उनके बारे में लिखी गई है जिसने इब्राहिम पाशा से शादी की थी 2013 में सुल्तान मोहम्मद डोम के बारे में फेत नामी सीरीज बनाई गई जिसकी 150 मिनट्स की टोटल पांच एक साथ थी इसके बाद 2014 में हम सबका पसंदीदा सीरीज अरतरुल मंजरेआम पर आया जिसने पूरी दुनिया में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मकबूलियत की वजह से अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा सुल्तान अब्दुल हमीद दाम के दौरे खिलाफत के बारे में 2016 में हाई बजट सीरीज फिलेंटा बनाई गई जिसकी प्रोडक्शन रजब दुरदवान और उसकी बीवी की जर निगरानी हुई यह बुनियादी तौर पर एक पुलिस ऑफिसर और अमीर ताजिर की बेटी की कहानी है लेकिन तारीख के किरदारों को बहुत खूबसूरती से इसमें परोया गया है किंगडम ऑफ फायर में भी सल्तनत उस्मानिया के दौर के वाक्यात दिखाए गए हैं और 2019 में बनी चौदह एक साथ की सीरीज में सलीम अव्वल का किरदार वाजे किया गया है जो तुर्क हुक्मरान रह चुका है सुल्तान और मीरा सुल्तान तो यकीनन आप देख चुके होंगे ये दोनों सीरीज उर्दू डबिंग में टीवी पर मौजूद हैं और उन पर नशर की जा रही हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद और तहसीन पाशा के बारे में एक सीरीज 2017 से देखी जा रही है जिसकी एक सौ सैंतीस एक साथ ऑन एयर हो चुकी हैं और अभी भी ये सीरीज खत्म नहीं हुई तुर्की टीवी चैनल पर यह सीरीज देखी जा सकती है नाजरीन चौबीस जनवरी दो से नेटफ्लिक्स पर तुर्की वेब डॉक्यूमेंट्री भी सल्तनत सुल्तनतमानिया के बारे में है और लोग इसे बेहद पसंद करे जा रहे हैं अब बारी है और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करने वाली उस्मान की जिसके दूसरे सीजन का है और इस इंतजार के, के अगले ला अमल का इंतजार भी शुरू हो जाएगा नाजरीन ऐसा लगता है कि 2023 के बाद तुर्की के निशात सानिया का क्या अमल में लाया जाएगा क्योंकि अरतुरुल को पीटीवी पर ऑन एयर करके पाकिस्तानियों के जज्बात को तुर्की के हुमरानों ने अपने हक में रोक लिए हैं अब अगर अजब तैयब ये अपना खोया हुआ मकाम यानी अरबों से खाना काबा और मदीना मुनवरा की जिम्मेदारियां लेना चाहे तो यकीन ये, ये कौम तुर्की के साथ होगी अब जबकि सौ साल खत्म होने वाले हैं इसके बाद तुर्की तेल की ड्रिलिंग शुरू करने का इरादा रखता है इस तरह तुर्की तेल की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा दूसरा तुर्की फास्फोरस के समंदर में टैक्स लगाएगा और इसके साथ साथ तुर्की एक नहर बनाने की तैयारियों में है जिसका नाम इस्तंबोल के रखा गया है इस नहर से दुनिया के तकरीबन सारे जहाजों को गुजरना पड़ेगा जिससे तुर्की इतना पैसा कमाएगा किसो सोच भी नहीं सकता इसके साथ साथ रजब तैयब ने एक और काम शुरू कर दिया है जहां पर भी मुस्लिम मुखालिफ रवैया होती हैं वो भरपूर अंदाज में आवाज बुलंद करते हैं तुर्की की कोशिश है कि फलस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों का मकसद बेहतरीन अंदाज में लड़ा जाए तुर्की एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत चल रहा है और इसने माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है चीन के साथ तुर्की के तलुक दोस्ताना होते जा रहे हैं और इन सब बातों को देखते हुए तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर करीब में रजब तैयब मदीना पर अपने तसलुत का इजहार कर दे तो अरबों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के साथ साथ चीन भी तुर्की के शाना बशाना खड़ा होगा अब देखना यह है कि परफेक्ट प्लानिंग करता रजब तैयब उर्दवान अरतुरुल की तरह गद्दारों की भीड़ चढ़ता है या फिर उस्मान गाजी की तरह परफेक्ट प्लानिंग और दुश्मन के एक्शन से पहले रिएक्शन के लिए तैयार होगा नाजरीन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मारी आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि तुर्की जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहा है या फिर नहीं या तुर्की के मकासेद दीगर दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं क्योंकि अब तुर्की ने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का साथ देने का ऐलान कर दिया है याद रहे कि यह सेकुलर तुर्की है से मर्द मुजाहिद रजब तेब उर्दवान दौरे हुकूमत में आया है इसने दोबारा से तुर्की को इस्लाम के रास्ते पर गजन कर दिया है और अब अवाम भी रजब तेब उर्दवान के हिमायत में है उसके हक में है यही वजह है कि लोग रजब तैयब उर्दवान के लिए मैदान में उतरे थे और उनके खिलाफ होने वाली बगावत को नाकाम बना दिया था अब जिम्मेदारी दीगर इस्लामिक दुनिया पे है कि वो तुर्की का इस सब में साथ दे जो कि इस्लाम के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं मुसलमानों के लिए बातें कर रहे हैं और जहां जहां पर कोई जुल्म होता है रजब तैयबान उसके खिलाफ बोलते चले जाते हैं नाजरीन अगर आप भी रजब तैयबान के साथ हैं तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा साथ ही साथ रेड बटन दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और हमारी वीडियो ऐसे ही फॉलो करते